भारत के ताकतवर नेतृत्व से आखिरकार क्यों डरता है चीन? जानिए चीन की भारत के पीछे पड़ने की असली मंशा। 45 साल पुरानी चीन और भारत की जंगी कहानी। दोस्तों, चीन के जिस वायरस से भारत लड़ रहा है, उसी चीन ने सीमा रेखा पर भारत को ललकारा। 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर लहू बहा। गोली तो नहीं चली, लेकिन जख्म गहरा था। चीन ने पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत के खिलाफ हिमाकत की है। आखिर चीन क्यों भारत के ताकतवर नेतृत्व के खिलाफ आक्रामक होता है? चीन की उस रणनीति को अलग अलग कालखंडों के जरिए समझा जा सकता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। जी हाँ, इस वीडियो में आपको हम वो सारी जानकारी देंगे जिससे आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि आखिर चीन भारत के पीछे पिछले 45 साल से क्यों पड़ा है। आखिरकार 45 साल पुरानी कैसी है चीन और भारत की जंगी कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए हमारा, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना कोई भी वक्त गवाए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं साल 1962 से। पंडित जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ प्रधानमंत्री थे, बल्कि निविवाद रूप से देश के सबसे बड़े नेता थे। नेहरू ड्रीमर थे, भारत को लेकर उनके बड़े सपने थे। नेहरू की भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी धाक थी। चीन ने 20 अक्टूबर को अचानक भारत पर हमला कर दिया। 21 नवंबर तक चले इस युद्ध में भारत की करारी हार हुई। इस युद्ध ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले पंडित नेहरू को भीतर से तोड़ कर रख दिया था। पंडित नेहरू उस सदमे से फिर कभी नहीं उभर सके। कहा जाता है कि चीन से मिली पराजय ही पंडित जी की मौत की वजह बनी। दोस्तों, साल 1967, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा महत्वाकांक्षी और सख्त व्यक्तित्व की थी। चीनी सैनिक ने अचानक सिक्किम के नाथुला और चोला में भारतीय सैनिकों से झड़प शुरू कर दी। इस झड़प में भारत के 88 सैनिक शहीद हुए, जबकि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में चीन के 340 सैनिक मारे गए। साल 1975, इंदिरा गांधी भारत की ताकतवर प्रधानमंत्री थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें दुर्गा के नाम से बुलाते थे। साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद इंदिरा गांधी का कद काफी ऊंचा हो चुका था। इंदिरा की छवि एक ऐसे बेहद सख्त नेत्री की थी जो अपनी शर्तों से भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना देखती थी। 20 अक्टूबर 1975 को चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में भारतीय सैनिकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस झड़प में भारत के 4 जवान शहीद हुए। चीन 1962 युद्ध के बाद से ही पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है। और दोस्तों, वर्तमान की बात करें तो चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसने की सारी हिमाकतें करता रहता है। दोस्तों, साल 2020, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। निविवाद रूप से नरेंद्र मोदी देश के समय सबसे बड़े नेता हैं। इसीलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं, बल्कि पिछले 4 दशकों के दौरान वो एकमात्र ऐसे नेता बने जिसने अपनी ताकत से लगातार 2 बार सरकार बनाई है। मोदी की छवि भी एक ताकतवर नेता की है जिसके भारत को लेकर अपने सपने हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी मोदी ने अपनी एक धाक बनाई है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी हाल तो ऐसा है कि माना यह जाता है कि मोदी को हराने वाला वर्तमान में कोई पैदा ही न हुआ हो। दोस्तों, 15 और 16 जून की दरमियानी रात चीनी सैनिक लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर देते हैं। चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प में हिंदुस्तान के 20 वीर सिपाही शहीद हो जाते हैं। अब अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि जिन 3 प्रधानमंत्रियों का हमने यहां जिक्र किया है, वे भारत के अब तक के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री में से एक हैं। और इन तीनों के कार्यकाल के दौरान चीन ने अपेक्षाकृत आक्रामक रवैया अपनाया है।
नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 समाप्त किया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया। भारत में पाकिस्तान की तरफ से जब आतंकी हमले हुए तो भारतीय सेना ने एक बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में और दूसरी बार पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए ये बता दिया कि ये बदला हुआ भारत है। दरअसल दोस्तों, भारत के ताकतवर प्रधानमंत्रियों के खिलाफ चीन का बेहद आक्रामक रवैया एक रणनीति का हिस्सा है। दुश्मन देश की कोशिश होती है कि वो अपने विरोधी देश के ताकतवर नेतृत्व को कमजोर करे, उस पर हमला करे और उसे उलझा कर रखे, ताकि नेतृत्व का मनोबल गिरे और जनता के बीच उसकी छवि खराब हो जाए। प्रधानमंत्री ने चीन के मामले पर विपक्षी दलों की बैठक भी बुलाई। उससे पहले प्रधानमंत्री ने लद्दाख की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया में साफ कर दिया था कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने ये तक कह डाला कि चीन को जता देना है कि भारतीय सैनिकों ने पीठ नहीं दिखाई और दुश्मनों को मारते मारते शहीद हुए हैं, हम उन सैनिकों के देश से हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देश के भीतर अपने ही कुछ लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। ये वे लोग हैं जो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बहुत पहले से उनके विरोधी रहे हैं। मोदी के विरोध का उनके विरोधियों को पूरा अधिकार है, लेकिन भारत का विरोध करने का हक किसी को नहीं है। अच्छा रहेगा मोदी विरोधी फिलहाल मजबूत नेतृत्व का मनोबल गिराने की चीनी नीति का हिस्सा न बने। तो दोस्तों, ये थी चीन और भारत की जंगी कहानी जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक आ रही है। हमने आपको अपनी भाषा में समझाने की बखूबी कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो और आपके दिल को छू गई हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी ही कहानियों के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।